दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष लव राशि फल मई 2022। मई का महीना मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों मई का लव राशि फल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों मई के महीने में तीन ग्रहों के परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन 14 मई को वृषभ में सूर्य का प्रवेश होगा, दूसरा परिवर्तन 17 मई को मीन में मंगल का प्रवेश होगा और तीसरा परिवर्तन 23 मई को मेष में शुक्र का प्रवेश होगा। ये तीनों परिवर्तन अपने आप में खास हैं और ये परिवर्तन आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन करेंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, सिंगल जो लोग हैं उनकी, उसके बाद में जो लोग लव लाइफ में रिलेशनशिप में उनकी बात करते हैं, उसके बाद में लो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करते हैं, मैरिड लाइफ की बात करते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको बताते हैं तीन राशियों के नाम। अगर उन तीन राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना काफी लकी रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे अगर आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहने वाली है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो आपके लिए शुक्र का परिवर्तन बेहद खास रहेगा। आप जिसके लिए बहुत कुछ कर रहे थे, जिसकी केयर कर रहे थे, वो आपसे इंप्रेस हो सकता है इस महीने के लास्ट में। अगर हम बात करें कि कोई आपका क्रश है, कोई आपको प्रपोज कर रखा है, आपने किसी को प्रपोज कर रखा है या एक तरफा प्यार में आप हैं, तो वहां पर क्या स्थिति रहने वाली है। अगर उस स्थिति को देखते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। तृतीयेश यानी कि दोस्ती, बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है आपकी और आगे भी होती रहेगी इस महीने। खास करके इस महीने एक बड़ा परिवर्तन जो है वो आपकी लाइफ में 14 मई से आएगा। 14 मई से आपको बहुत ज़्यादा वो अहमियत देने लगेगा। अभी नॉर्मल बातचीत हो रही है तो एक तरह से जो इमोशनल होते हैं या जो फीलिंग्स होती हैं वो शेयर करने लगेगा, तो एक अच्छी स्थिति जरूर देखी जा सकती है 14 मई के बाद में। ये भी हो सकता है कि आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर ले। अगर हम बात करें यहाँ पर रिलेशनशिप की यानी लव लाइफ की, तो आपकी लव लाइफ की स्थिति में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो जरूर मिलेगी। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके साथ में अपनापन दिखाएंगे। झगड़े थोड़े बहुत जो चल रहे थे वो भी समाप्त हो जाएंगे 17 मई से। 17 मई के बाद में थोड़े झगड़े में कमी होगी लेकिन आपके अंदर तनाव थोड़ा बढ़ जाएगा। आपके पार्टनर जितनी आपकी केयर करेंगे, जितना आपसे प्यार करेंगे, उतना ही उनसे झगड़ने का आपका मन करेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थिति ये भी है कि आपके पंचमेश सूर्य जा करके जब द्वितीयस्थ होंगे 14 मई से, तो ये स्थिति इस चीज़ को भी दर्शाती है कि आपका जो ईगो है वो हार जाएगा। फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा आप चिंतित हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स जो हैं वो कहीं परेशान तो नहीं है, इत्यादि इत्यादि बातें आपके माइंड में आ सकती हैं। द्वितीयस्थ सूर्य कहीं ना कहीं आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा कठोरता ला सकते हैं। आप अपना वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना आप, क्योंकि ये खास करके 14 से 17 मई आप अपने पार्टनर के साथ में कुछ मिसबिहेव भी कर सकते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से जो लोग लव मैरिज को लेकर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही सावधानी से कोई भी डिसीजन लेना होगा आपको। लेकिन अगर आपके पार्टनर आपकी हर बात मानते हैं तो आपको फिर ये डिसीजन आंख बंद करके ले लेना चाहिए। अगर आपके पार्टनर आपकी हर बात पर यकीन कर रहे हैं और आपको हमेशा के लिए यकीन दिलाना चाहते हैं तो आपके लिए कोई डिसीजन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूज होकर के डिसीजन लेंगे तो डिसीजन आपका गलत भी साबित हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर हैं और बात होती है तब भी बात अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर हम बात करें मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के लिए ये पूरा महीना बहुत ज़्यादा खराब है। इस महीने घर में कलह का वातावरण, झगड़े लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होंगी, कोर्ट कचहरी तक भी बातें पहुँच सकती हैं, लीगल एक्टिविटी, लीगल प्रॉब्लम तक भी बातें पहुंच सकती हैं, आपका डाइवोर्स भी हो सकता है, डाइवोर्स आपका फाइल कर दें, आप
आपके पार्टनर या आप, ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं। इसलिए मैरिड लाइफ के लिहाज से ये महीना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कहीं घूमने जाना, मुलाकात करना या किसी तीसरे व्यक्ति को आपके रिलेशन के बारे में पता लग जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा। कोशिश कीजिएगा कम से कम मिलें, कम से कम बात करें, और हो सके तो बिल्कुल ही ना मिलें, बिल्कुल भी ज़्यादा इमोशनल ना हो। बात करें तो बहुत प्रैक्टिकल बात करें, नॉर्मल बात करें, तब आपके लिए स्थितियाँ ठीक रहेंगी, नहीं तो बहुत खतरनाक और ख़राब स्थितियाँ बन सकती हैं, आपको कोर्ट कचहरी तक भी ये स्थितियाँ ले जा सकती हैं। दोस्तों, यह था मेष लव राशिफल। अगर आपको यह लव राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और तीन राशियों के नाम जान लेते हैं। पहली राशि स्वयं मेष राशि है, दूसरी वृश्चिक राशि है और तीसरी धनु राशि है। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो यह महीना आपके लिए शानदार रहेगा। दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।